नमस्कार, आप देख रहे हैं द फुल बॉलीवुड। बॉलीवुड से लेकर भोजपुरी सितारे भी कोरोना वायरस को लेकर सजगता और बचाव का संदेश दे रहे हैं। भारत में लगातार कोरोना वायरस के मरीजों की आंकड़ा बढ़ती जा रही है। ऐसे में देश के कई हिस्सों में स्कूल कॉलेज सहित सिनेमा घरों को भी बंद कर दिया गया है। साथ ही कोरोना का कहर शूटिंग के सेट पे भी देखा जा रहा है। कुछ फिल्मों की शूटिंग भी फिलहाल बंद कर दी गई है। सेलिब्रिटीज लगातार अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए जनता को सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। इस मामले में भोजपुरी फिल्म जगत की बेहतरीन अदाकारा रानी चटर्जी भी पीछे नहीं है। रानी ने भी पिछले कुछ दिनों से अपने इंस्टा के द्वारा लोगों को सतर्क रहने और मास्क पहनने की सलाह दे रही है। और इसी बीच हाल ही में भोजपुरी एक्ट्रेस रानी चटर्जी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में रानी चटर्जी मुंबई एयरपोर्ट पर रोते हुए दिख रही है। आपको बता दें, रानी चटर्जी भोजपुरी इंडस्ट्री का एक जाना माना चेहरा है। क्वीन ऑफ भोजपुरी के नाम से मशहूर रानी ने कई सुपरहिट फिल्में दी हैं, जिन्हें उनके प्रशंसक बहुत पसंद करते हैं। हाल ही में भोजपुरी एक्ट्रेस रानी चटर्जी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में रानी चटर्जी मुंबई एयरपोर्ट पर है और वह कोलकाता जा रही है। एक्ट्रेस का यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में मुंबई एयरपोर्ट का नजारा बताते हुए रानी चटर्जी कह रही है, पूरा एयरपोर्ट खाली है, देख सकते हैं आप लोग, लेकिन जितने भी लोग यहाँ दिख रहे हैं सबने मास्क पहना हुआ है। और मैं दो दिन से अपडेट कर रही हूँ कि मास्क पहनिए, सेफ रहिए, और मैं अपना मास्क ही घर पर भूल कर आ गई। अपनी इस गलती को लेकर रानी बच्चों की तरह मासूमियत से रोती नजर आ रही है। एक्ट्रेस रानी चटर्जी ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, ये गलती आप ना करें जो मैंने अनजाने में की। सो मैं जा रही हूँ कोलकाता और मैं इस वक्त मुंबई एयरपोर्ट पे हूँ और पूरा एयरपोर्ट वैसे खाली है, देख सकते हैं आप लोग, लेकिन जितने भी लोग यहाँ दिख रहे हैं सबने मास्क पहना हुआ है। और मैं दो दिन से अपडेट कर रही हूँ, मास्क पहनिए, बी सेफ, और मैं अपना मास्क घर पे भूल कर आ गई हूँ। रानी चटर्जी के इस वीडियो पर उनके फैंस खूब कमेंट कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। वहीं बता दें, भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों का आंकड़ा बढ़कर 107 पहुंच गया है। इनमें दो लोगों की जान भी जा चुकी है।